आज फिर से मैं एक्वेरियम की नई जानकारी के साथ आ गया हूँ। तो आज मैं बताने वाला हूँ, आज मैं सेकेंड हैंड मछली लेने वाला हूँ और उसमें उसके बल पे कुछ और भाई को अपने मछली देने वाला हूँ। चलिए दिखाते हैं कौन सा आने वाला है। इसलिए उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फिश, और फिश की साइज़ भी बहुत लाजवाब है। चलिए आपको दिखाते हैं कितनी बड़ी गोल्ड है। ये देखिए कितनी प्यारी गोल्ड है। भैया कितने साल की है? हिमांशु भैया बताइए। 3 साल की। 3 साल की हो, और 3 साल में इतनी बड़ी गोल्ड लगभग होती नहीं है, लेकिन इनकी वाली गोल्ड इतनी बड़ी होगी, बहुत प्यारी है। डाल दीजिए पानी में, नहीं तो चारी सांस नहीं ले पाएगी। और भैया ने हमको आज 4 शार्क दी हैं, अच्छी बड़ी बड़ी शार्क, एल्विनो कलर की है ये चारों शार्क। मैंने इसको पहले डाल दिया था, और भैया को मैंने दिया एक्सचेंज करके छोटी कॉर्प और एक्स्ट्रा में टिम्पल वर्ब इस बाल्टी में लेके आए थे भैया। देखिए क्या शानदार, इसमें फिर से बड़ी करके हमको देंगे भैया। कब देंगे आप बड़ी करके? 3 साल में। 3 साल, चलिए हम आपका वेट करेंगे। इतनी बड़ी गोल्ड होती नहीं है, गोल्ड फिश है ना कि कॉर्प है, गोल्ड है ये। बहुत शानदार फिशेस है ये। आ जाओ बेटू, फिश है। बहुत शानदार लग रही है, 10 इंच की फिश है ये, बहुत ही शानदार। इसकी ऊंचाई भी लगभग आपकी होगी 5 इंच के पास इसकी ऊंचाई है। बहुत प्यारी लग रही है देखिए। और मैंने 4 शार्क भी मेरे को दिए हैं कस्टमर ने, ये एल्विनो शार्क है। इतनी शानदार लग रही है। आशा करते हैं हमारा ये ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। कस्टमर एक्सचेंज करता है फिशेस को तो मैं जो वैरायटी हमको देता है, जैसे कि चिकलेट देगा तो चिकलेट की छोटी साइज देते हैं ताकि उनको भी लॉस ना हो। अब जैसे गोल्ड ग्रुप में हमको मिली तो गोल्ड ग्रुप की छोटी साइज की फिशेस मैंने दिया, और भी अच्छी लगी हमको उनकी मछलियाँ, तो एक आध दो मछलियाँ मैं अपने तरफ से और दे देता हूँ। चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही है, और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो हमारी पूरी देखिएगा। चलिए आज की वीडियो बस इतना ही है, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलते हैं। चलिए ओके, बाय।